अब चलो हम धीरे धीरे। तो गाइस इस तरह की वीडियो एडिट करने के लिए आपको VN ऐप की जरूरत पड़ेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको ओपन कर लेना, ठीक है। आप वीडियो को ब्लैक एंड वाइट कैसे कर सकते हैं वो आप VN से कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम से भी कर सकते हैं, वहाँ पे एक इफेक्ट आता है, लेकिन मैं आपको VN से बताऊँगा। तो VN पे यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है। अब आपको जो वीडियो ब्लैक एंड वाइट करनी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब आपको ओके कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से ये रील्स आ गई हैं यहाँ पे। अब आपको ये करना है, लास्ट में आना है, पहले तो इस वाटरमार्क पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है, ये VN की तरफ से आता ही है। तो अब आपको ये करना है, ओरिजिनल पे क्लिक करके यहाँ पे 9:16 इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी वीडियो फुल स्क्रीन में हो जाएंगी। अब आपको ये करना है, यहाँ पे फिल्टर में आना है। फिल्टर में आने के बाद यहाँ से एडजस्ट में आना है। एडजस्ट में आने के बाद यहाँ से आपको ये जो सिचुएशन है इसका, ये इसको आपको पूरा लो कर देना है। देखो पूरा 100% तक इसका माइनस कर देना, अगर प्लस करोगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। पूरा 100 माइनस करोगे फिर आपको ओके कर देना है। तो देखो आपकी रील्स ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है, बस एक क्लिक के काम था। तो गाइस ये वीडियो अगर आपको पसंद नहीं है तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करो, और अगर ये वीडियो एक्सपोर्ट करनी है आपको तो यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप मेरी सेटिंग देख कर भी आप कर सकते हैं। अब आपको राइट पे क्लिक करना है, इस तरीके से आपकी रील्स जो है आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको बता दूंगा कि गैलरी में सेव कैसे करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करो, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।